कंटिन्यू लगते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू फोटोग्राफी इंडिया। तो आज मैं आया हूँ राम पैटी कुलचा पॉइंट अमृतसर में, जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके का 20-22 लेयर्स कुलचा बनाया जाता है। ये देखिए, ये लगाया जा रहा है वर्ल्ड बेस्ट पैटी कुलचा के लिए। दो तैयार किया जा रहा है भैया। इसमें क्या क्या मिक्स करते हो? इसमें घी और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और घी पड़ता है। अच्छा, ये लेयरिंग बनती है, साड़ी लेयरिंग। क्या बात है, ये देखिए तो लेयरिंग, देखिए एकदम इतनी शानदार लेयर कर रखी है। साड़ियाँ पड़ता है, भी तो भाई पड़ता है। अच्छा, 20 से 22 लेयर है ये। क्या बात है, क्या डाल रहे भैया? अच्छा, ये कसूरी मेथी आ गई एकदम। क्या बात है, ये देखो पूरा भर दिया कसूरी मेथी से। और ये आ गई गाजर, पूरा वेजिटेबल से भर देते हैं। और ये आ गए बीटरूट। वाह, आ गए अदरक के पीस। मतलब पूरा फुली लोडेड रहता है ये वेजिटेबल से है। अब ये डाल दी इसमें हरी मिर्ची। और अब ये डाले जा रहे हैं इसमें भर भर के प्याज। क्या बात है, पूरा अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स वगैरह डाल दिए। ये क्या चीज है भैया? अच्छा, ये मसाले मिक्स है। क्या बात है, ये डाल दिए स्वीट कॉर्न। ये डाल दिए मटर। ये क्या चीज है भैया? अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स डाल दिए जिससे थोड़ा क्रंची रहे। और अब इन सबको मिक्स किया जा रहा है। ये अच्छे से मिक्स करके अब इसको पूरा फैलाया जा रहा है। ये देखिए, तो ऐसे ये देखिए ये कटिंग की जाती है पैटी की। अच्छा, ये छोटी छोटी कटिंग कर दी। ये आलू का मसाला डाल दिया। ओ, फुली लोडेड। अच्छा, ये ऐसे रखते हैं। तो ये देखिए, ये पहले पूरा मसाला भर दिया और अब इसको एकदम शेप में रखा जा रहा है बढ़िया से। ये कट कर दिया और अब ये डालेंगे तंदूर में। तो ये लगाया जा रहा है, ये देखिए, ये तंदूर में डाला जा रहा है पैटी कुलचा। और पूरा तंदूर भर देंगे एक ही साथ। ये इसको कितनी देर लगेगी सिकने में? 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से सिकने में। ये देखिए क्या बात है। तो ये देखिए, ये हो चुके हैं रेडी। ये देखिए, अब इसके ऊपर भर देंगे घी एकदम। ये देखिए क्या बात है, कंटिन्यू लगते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये पैटी कुलचा की प्लेट रेडी है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और लेयरिंग देखिए, बटर देखिए, घी देखिए, इतना भर रखा है इसमें।
बहुत ही शानदार है। तो आप भी जल्दी आइए यहाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब, फॉलो फूडोग्राफी इंडिया। थैंक यू।